Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next is nodule formation कैसे होती है? Nodule formation include करता है multiple interactions between rhizobium bacteria and soil. Soil में rhizobium bacteria और roots की interaction की बहुत सारी sequences step form करती हैं nodule. Rhizobium bacteria multiply करता है और अपने आप को colonize कर लेता है roots के around. क्या करता है? रूट्स है, मान लो दिस इज रूट ऑफ अ प्लांट, तो बैक्टीरिया इन रूट्स के आसपास कॉलोनाइज कर जाएगा, कॉलोनी बना देगा. इसकी वजह से क्या होगा, जो रूट हेयर है वो कर्ल कर जाएगा. रूट हेयर क्या करेगा, कर्ल कर जाएगा जो प्रेजेंट है राइजोबियम बैक्टीरिया के सेंटर में, राइजोबियम बैक्टीरिया ने जिसको सराउंड किया है. इसकी वजह से क्या होगा, एक इंफेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस होगी, इंफेक्शन थ्रेड बनेगी. रूट कर्ल हुई है, राइजोबियम बैक्टीरिया ने इसे सराउंड किया है एंड एक इंफेक्शन थ्रेड बनी. ये जो इंफेक्शन थ्रेड बनी है ये क्या करेगी, रीच करेगी कॉर्टेक्स ऑफ रूट को. जब ये रीच करेगी कॉर्टेक्स ऑफ रूट को, वहां पे जाके बैक्टीरिया वहां से रिमूव कर जाएंगे और नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी जब सेल डिवीजन हो रही होगी. यू कैन सी सॉइल पार्टिकल्स हैं, उसमें बैक्टीरिया है जिसने सराउंड किया है रूट हेयर को. कर्ल हो गई है रूट हेयर एंड हुक टाइप स्ट्रक्चर बनाया है रूट्स ने. बैक्टीरिया ने क्या किया है, अभी भी उसके आसपास ही है. इन्फेक्शन थ्रेड बनी है जो रीच करती है इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल अंडर सेल डिवीजन. नेक्स्ट क्या है, रूट नोड्यूल्स मैच्योर हो जाती है. सो ऐसे बनती है रूट्स. नोड्यूल्स जो बनती है इस्टैब्लिश करती है डायरेक्ट वास्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट ताकि एक्सचेंज हो सके न्यूट्रिएंट्स का. सो ऐसे होती है नोड्यूल की फॉर्मेशन जब बैक्टीरिया राइजोबियम सराउंड करता है रूट हेयर को.